एक बच्चा अपने दादाजी के पास गया, बोले दादा दादा मुंह से बोलो टें। दादा घबरा गया, बोले टें। बच्चा गाना गाने लगा, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। दादा बोले बेटा बहुत तेज थप्पड़ मारेंगे, टें बोलते हो बल्ले बल्ले गाना गाते हो। बोले दादा एक बार मुंह से बोलो टें। फिर दादा ने कहा टें। बच्चा फिर गाना गाने लगा, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। दादा बोले बहुत तेज मारेंगे, टें बोलता हूँ बल्ले बल्ले गाना गाता है, पहले बताओ ये क्या है। बोले मारना नहीं मम्मी पापा आपस में बात कर रहे थे, जिस दिन ये बुढ़ा टें बोलेगा। थैंक यू एवरीवन, बस यही प्यार चाहिए हमें। और मैं कानपुर का हूँ, आप लोगों ने देखा होगा हमारे देश में कभी कभी अंग्रेज आते हैं, छोटी छोटी चीजों को उठा के देखेंगे, व्हाट इज दिस। एक अंग्रेज हमारे कानपुर में आया, जैसे स्टेशन से उतरा तो उसने देखा हलवाई जलेबी बना रहा है। हलवाई को अंग्रेजी नहीं आती है, अंग्रेज को हिंदी नहीं आती है। हलवाई अंग्रेज के पास आया, बोला हेलो। बोले बाबू जी हिल तो नो, कितने हिले। बोले नो हेलो। बोले बाबू जी जाना मत, दिला ना जलेबी खराई मुझे ये। बोले आई मीन टू सेकंड सेकंड समझ में आ गया, जोर से हाथ वाथ पोछ के जोर से मिलाया। बोले हाँ बाबू जी बताइयो क्या काम है। बोले व्हाट इज दिस, क्या है, कैसे बनता है। बोले सुनो, बोले इंग्लिश में सुनो कि हिंदी में, बोला इंग्लिश में बताओ। अब देखिए हलवाई अंग्रेजी में बता रहा है जलेबी कैसे बनती है। बोले बाबू जी सुनो, दिस इज ए पेस्ट, द पेस्ट इज गोइंग इन द रुमाल ऑन द। बोले दिस इज ए पेस्ट, द पेस्ट इज गोइंग इन द रुमाल ऑन द सुराग एंड राउंड 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 कमा, राउंड 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 कमा, फुल स्टॉप। बोले ओपन द प्रोडक्ट इज जलेबी। बोले जलेबी वेरी नाइस एंड व्हाट इज व्हाइट व्हाइट, ये क्या है। बोले बाबू जी दही है। बोले कैसे बनती है। बोले सुनो, द मिल्क इज स्लीपिंग इन द नाइट, द मिल्क इज स्लीपिंग इन द नाइट, और रात में ढीली ढीली दिन में टाइट। बड़ी प्रॉब्लम होती है, हमारे बगल में गुप्ता जी रहते हैं, चाइना लड़की से शादी करके है, चाइना की चाइनीज लड़की से। पांच साल बाद मेरे से मिले, मैंने कहा गुप्ता जी माफ करना तेरी शादी में नहीं पाया, भाभी कैसी है। बोले मर गई। बोले कैसे। बोले चाइना की थी, चाइना का माल कितना चलेगा। मैंने बच्चे कैसे है। बोले ये चार साल का बच्चा है। मैंने कहा नाम क्या है। बोले अमेरिका। भाई मैंने ये कैसा नाम है। बोले नाम जैसा भी हो इसी बहाने अमेरिका के बाप बने बैठे। चाइना से बातें याद आ गई, हमारे बगल में गुप्ता जी की बात बताऊं, 9 साल बाद अपनी शादी का जो दहेज का माल था उसमें इनको डीवीडी प्लेयर मिला था। डीवीडी प्लेयर 9 साल बाद निकाला, पत्नी के पास, बोला डार्लिंग चलो आज फिल्म देखेंगे शोले। इनका 7 साल का बच्चा खड़ा हुआ, बोले पापा हम भी देखेंगे शोले। बोले थप्पड़ मारेंगे, कल स्कूल जाना, तू जाके बिस्तर पे सो ले। थप्पड़ मार के बच्चे को चद्दर उड़ा के लिटा दिया, पूरी फिल्म अपनी पत्नी के साथ देखी शोले। फिल्म खत्म होने के बाद गब्बर सिंह के स्टाइल में अपनी बीवी से बोल रहे, अरे यू बसंती जेठ हमका तो दिखा हमका, जल नाच के तो दिखा हमका। बच्चे ने पूरी फिल्म चद्दर के अंदर से देखी थी, चद्दर हटाया, खड़ा हुआ, बोले मम्मी इस कुत्ते के सामने मत नाचना। की दुकान है ये, दुकान पे दूध को ठंडा कर रहे थे, ऐसे सामने से एक शराबी आया, ए दूध कैसे मीटर दिया। बोला भैया मीटर, हाँ दूध कैसे मीटर दिया बताओ। बोले यार शराबी से कौन मत्थे लड़े। बोले 35 रुपए मीटर लेगा, ठीक है 5 मीटर दे दे। अब ये परेशान कि 5 मीटर दूध कैसे दे इसको, लीटर में दूध मिलता है ये मीटर में मांग रहा है। इसने उठाया दूध सड़क पे फैला दिया, नाप ले पूरा 5 मीटर है, पूरा 5 मीटर है नाप ले। शराबी क्यों दुकानदारी कर ली नहीं आती, इसको लपेट के लिफाफे में डाल।